The sub-contests are done with. All activities are over and the gong for crowning ceremony has just been hit. But just before the girls rush into this tizzy, the Times of India team ne unke liye plan kiya hai a wonderful surprise to unwind and chill, where they took our finalists among the brightest Bollywood stars in a party hosted by none other than the managing director of Times Group, Mr. Vineet Jain himself, where the girls had a blast with music, masti and colors. Once relaxed to the core, they're now ready for the results of the sub-contests as they get ready for the crowning ceremony. So let's wish them luck. May the best girls win. कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा किसको कौन सा सब कॉन्टेस्ट टाइटल मिल रहा है। हम लोग इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, तो हमने सोचा हम एक दूसरे के लिए क्यों ना कुछ सब टाइटल्स बनाएं। Oh my God, I'm nervous. Sleeping Beauty का टाइटल। हाँ, मिस स्लीपिंग ब्यूटी का टाइटल मैं न्यानदा को देना चाहूंगी। थोड़ी सी भी देर उसको कहीं भी टाइम मिलता है ना, वो वैसे सो जाती है, कहीं भी कैसे भी किसी भी पोजीशन में सो जाती है। मेकअप कराते टाइम भी दो तीन बार गिर चुकी है वो। व्हेनेवर वी गेट फ्री टाइम आई मेक यूज ऑफ इट और मैं सो जाती हूँ। मिस बुकर, बुकर किसको जाएगा? बुकर तो प्रियदर्शनी है, वो खाती है थोड़ा थोड़ा बट उसका प्लेट तो पहाड़ जैसा होता है। वन बाइट ऐसे लेकर भी सबका खाना ले लेती है। मिस बुकर विल गो टू मी एंड ओनली मी, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा खाती हूँ। डिजर्ट, बीट, मेन कोर्स, स्टार्टर, सूप सब खाती हूँ मैं। पंखुड़ी को मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलती है वो। कौन सी टॉपिक से कब वो नेक्स्ट टॉपिक जाती है पता ही नहीं चलता। मिस बिंदास हैज टू बी डिंपल, हर चीज खुल के करती है, उसको किसी चीज का डर नहीं है, शी इज फियरलेस। सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। मिस कॉम्पिटिटिव में देना चाहूंगी निहारिका को। अब मैं कैसे दिखूं, अब मैं कैसे बोलूं, तो आई थिंक निहारिका। ये जो सब टाइटल्स है वो एक्चुअली हमें सूट करते हैं, हम लोग जैसे एक्चुअल में है। जो हमें स्टेज पे मिलेगा दैट्स लाइक काइंड ऑफ अ बिट सीरियस, बट दिस इज हाउ वी आर इन रियल लाइफ। अभी हमारा असली सब टाइटल का कॉन्टेस्ट होने वाला है। आई एम वॉरिड, आई एम एक्साइटेड, बट लेट्स सी क्या होता है। This particular episode has had everyone waiting with a lot of anticipation, as this is our sub-contest crowning. I know the crowd is ready, our girls are ready, and so am I. I hope you are too. We've just worked with our own hair, added a little bit of our techniques to make them look just glamorous. I'm going to get into my amazing designer outfits, and I cannot wait to wear that and go on stage. फाइनली आज हमें जाके पता चलेगा कि कौन कौन विनर है। द क्राउन डजंट डिफाइन द पार्टिसिपेंट, द पार्टिसिपेंट डिफाइंस द क्राउन। हैव अ कॉन्फिडेंस विद योर ग्रेट क्राउनिंग ग्लोरी एंड टेक योर सेश अवे होम। आई एम जस्ट वेटिंग टू गो ऑन द स्टेज विद ऑल द अदर गर्ल्स, रॉक इट, गिव इट अ बेस्ट शॉट एंड हैव वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग्स ऑफ माय लाइफ। नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आज की इस हसीन शाम में, विच इज द सब कॉन्टेस्ट सेरेमनी ऑफ द एफबीबी फेमिना मिस इंडिया 2016। पर आज वक्त है टू रिवॉर्ड दीज 21 ब्यूटीज जो पिछले एक महीने में अपनी काबिलियत से आज यहां तक आ पहुंची है। इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर जजेस दिस इवनिंग। हमारी पहली जज सारी गाउन स्पेशलिस्ट के नाम से जानी जाती है, and she has been rated as one of the top 25 young designers by Vogue's radar. She has been the official designer of Filmfare Awards 2015. Ladies and gentlemen, please welcome the ace designer, Sonakshi Raj. हमारे अगले जज ने पिछले 11 सालों से फैशन इंडस्ट्री पे अपना जादू बनाए रखा है, विद कलेक्शंस रिटेलिंग इन डर्बन, दुबई, म्यूनिक, दिल्ली एंड मुंबई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द मैन हिमसेल्फ, गेविन मिगेल। वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर डैपर गेविन देयर।
Our next judge is a young filmmaker, wife of Bhushan Kumar, head honcho of T-Series and a doting mother of a four-year-old, not one to miss on the fashion radar, a fashionable and gorgeous filmmaker and on-point styling. She's truly the ideal role for young women. Please give it up for the very, very beautiful Divya Khosla Kumar. Once again, a warm welcome to all three of you, and thank you for joining us. Ladies and gentlemen, please give it up for Mumbai Chi Mulgi, actress, VJ and singer, Anusha Dandekar. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we are going completely traditional today. Please give it up for all the sizzling contestants showcasing different avatars of our tradition and culture. Definitely quadruple the round of applause for all the efforts that have been put in to actually create this collection by their friends and families, for all our 21 finalists here for the national costume round. And I would like to inform all of you that there was a preliminary round wherein all the contestants explained their national costume, and we had actually selected a few. Yes, and based on that, our seven finalists are... And in random order... Please welcome Anisha Nitin Rane. Our second shortlisted contestant for National Costume Round is Dimple Ball. And the next lovely lady, Navreet Kaur. Up next is Niharika Anand. Pankhuri Girvani. Out of the seven, number six is Rajkanya Barua. And last but not the least, Roshmita Harimurti. Well, these are the seven finalists who've been shortlisted for the National Costume Round. Rest of the contestants, thank you so much. Your efforts were truly commendable. Well, out of these seven, one name shall be bagging this sub-contest crowning. Dhadkane thodi aur tez ho gayi hai as our girls are going crazy to find out which of them are going to receive their first titles and their moment to shine in their domain when we announce the results of the sub-contest of FBB Femina Miss India 2016 powered by Rupal Realty's talent partner Mobstar and skincare partner Aloe Veda.